हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने ओपन ऑफिस का बेस डेटाबेस ओपन किया है। ये देख सकते हैं, ये ओपन ऑफिस का बेस डेटाबेस है। ये लिब्रा डेटाबेस का बेस डेटाबेस नहीं है, ये ओपन ऑफिस का बेस डेटाबेस है। तो यहाँ पर अगर हमको टेबल बनाना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं सीधा सीधा क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। ठीक है, आप विजर्ड से भी जा सकते हैं और यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट व्यू, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमें क्या करना है, इसको क्लोज करना है, हमें यहां से चलना है। ये देख रहे हैं क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, तो यहां पे क्लिक कर दीजिए। सेम वैसा ही इंटरफेस जैसा कि आपको लिब्रा बेस डेटाबेस में देखने को मिलता था, ऐसा ही इंटरफेस यहां पर भी आपको देखने को मिल जाता है। एक्सटेंशन भी ODB ही होती है। तो यहां पर अब कुछ हमें लिखना है, लाइक यहां पर लिख देते हैं रोल नंबर। ठीक है, ये लिखा मैंने रोल नंबर, ये ओपन ऑफिस का बेस डेटाबेस है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट। इस तरीके से हम इसमें डेटा एंटर करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी लिखना है यहाँ पे हम यहाँ पे एंटर करवा देंगे। ये लिख दिया फादर्स नेम। ठीक है, फिर आगे मदर्स नेम, फिर सिटी, जो भी देना है इस तरीके से दे सकते हैं। तो ये मैंने कुछ चीजें दे दी है, देख सकते हैं यहाँ पर सिटी है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे डेटा टाइप देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हैं ये काफी सारे डेटा टाइप आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक अदर भी डेटा टाइप है, ये भी एक प्रकार का डेटा ही टाइप है। ठीक है, तो फिलहाल हमें यहाँ पे रखना है वेयर कैर। ठीक है, तो ये वेयर कैर रख लिया और यहां से अब हमको सेव कर देना है इसको। तो ये टेबल वन नाम आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पर कोई और नाम भी हम दे सकते हैं, और उससे भी पहले हमें प्राइमरी की असाइन करनी होगी, जैसा कि हम लिब्रा बेस डेटाबेस में करते थे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पे प्राइमरी की जो होगी इसको प्राइमरी की बना दीजिएगा, यानी कि यूनिक वैल्यू ये कंटेन करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां से आप इसको सेव कर देते हैं। अब ये टेबल वन आ रहा है, यहाँ पे हम स्टूडेंट टी यानी टेबल के नाम से इसको सेव कर देते हैं। तो ये सेव हो गया, अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहां से देखेंगे तो ये स्टूडेंट टी के नाम से आ गया है, आया है कि नहीं। अब यहाँ पे रोल नंबर की बात है तो ये वन हो गया रोल नंबर। यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट है तो यहाँ लिख दिया राम, और यहाँ पे फादर्स नेम है तो यहाँ पे श्याम लिख दिया, जो भी है फादर्स नेम यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे देवरिया दे दिया सिटी का नाम, यहाँ पे रोल नंबर 2 दे दिया। इस तरीके से आप डेटा एंट्री करेंगे, डेटाबेस परमानेंट आपको दिखता रहेगा। और अगर आप फॉर्म बनाना चाहते हैं तो यहां से जा सकते हैं, ये देखिए नीचे फॉर्म भी दिया गया है। अगर आप क्वेरी बनाना चाहते हैं तो क्वेरी में भी जा सकते हैं। यहां पर फिलहाल मैं इसको एडिट करने वाला हूं, यहाँ पे एडिट किया हमने। यहां पर हम चाहते हैं कि हम दो सब्जेक्ट का नंबर ले लें, तो एक ले लिया कंप्यूटर और दूसरा ले लेते हैं इंग्लिश, दो ही सब्जेक्ट काफी है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे ले लेते हैं इंग्लिश, तो ये दो सब्जेक्ट ले लिया। आप दो से अधिक सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, एक बार समझ गए तो सारा काम आसान हो जाता है, तरीका लगभग एक ही है करने का। ठीक है, और यहाँ पर अब हमें टोटल करना है, लेकिन ये टोटल हम यहाँ से ना करके पहले इसको सेव कर लेते हैं। तो ये सेव कर लिया, अब इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर और भी चीजें नजर आएंगी, लाइक यहाँ पे कंप्यूटर का मार्क्स एंटर करवाना है, हमें 56 एंटर करवा दिया, यहाँ पे 88 एंटर करवा दिया, यहाँ 45 एंटर करवाया, यहाँ 66 एंटर करवाया। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और ये स्टूडेंट का नाम मोहन कर देते हैं यहाँ पे ये। ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स, तो ये मार्क्स एंटर करवा दिया, तो जो भी मार्क्स है यहाँ पे एंटर हो गए। लेकिन इसका हमें एडिशन वगैरह करना हो तो कैसे एडिशन करेंगे, समस्या यहाँ पर है, कैसे हम एडिशन करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो यहाँ पे डाटा तो हमने ऐड करवा लिया, लेकिन अगर इन दोनों का एडिशन करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें क्वेरी बनाना जरूरी है, तो इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, यस कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे तो ये रिकॉर्ड आपके पास सेव रहेगा, और यहां से क्वेरी पे चलते हैं। तो क्वेरी बनाएंगे यहां से, तो क्वेरी पे जाएंगे, फिर यहां क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, और ये स्टूडेंट टी नाम का जो टेबल है इसको ऐड करवा लेंगे। ऐड करवा लिया, अब यहां से चीजों को लेना है हमें। तो ये रोल नंबर हो गया, नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, फादर्स नेम हो गया, सिटी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, सारी चीजों को ले लिया हमने। यहां पर हम टाइटल देंगे, तो जो भी टाइटल देना है यहां पर दे दीजिए, ये टोटल दे दिया हमने। और यहां पर अब हमें क्या करना है, टोटल दे करके यहां पर हमें ऐड करवाना है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है, जैसा कि आप लिब्रा बेस डेटाबेस में करते हैं। डबल एडिट कोट्स लगाइए और यहाँ लिखिए कंप्यूटर कुछ इस तरीके से, और फिर इसको बंद कीजिए। ठीक है, प्लस का निशान लगाइए और फिर जोड़ दीजिए दोनों को, जो भी सब्जेक्ट है। तो दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो यहाँ पे लिख दीजिए इंग्लिश, तो ये हो गया। बस ऐसे ही करना है आपको। अब यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है, स्विच डिजाइन व्यू दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रन क्वेरी। तो यहाँ रन क्वेरी पे क्लिक कर दीजिए, क्वेरी रन हो गई, ऊपर रिजल्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पे 3 डालेंगे, अब देखिए कमाल, यहाँ पर अब मैं अगले स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ गौरव, और यहाँ पे लिख देते हैं राम किशन, अब ये नाम हो गया फादर का। ठीक है, सिटी देवरिया कर देते हैं। ठीक है,
देवरिया कर दिया। अब यहां पे मार्क 77 और यहां 67, जैसे कि हमने और यहां से हटे नेक्स्ट लाइन पे आए तो यहां ऑटोमेटिक टोटल होता हुआ सा नजर आएगा आपको, हो रहा है टोटल देख सकते हैं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम, तो यहां लिख देता हूं मैं बबलू, ये नेक्स्ट स्टूडेंट है और इनके फादर का नाम है रितेश, ठीक है। फिर यहां पे आते हैं सिटी का नाम सेम रख देंगे, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, आपका जो भी हो वो रख सकते हैं। यहां पे 33, तो यहां पे जैसे ही आएंगे तो टोटल ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा, तो बस यही तो है। अब इसको हमें क्या करना है, यहां से क्लोज करते वक्त ही सेव कर लेना है, तो ये चीजें सेव हो जाएंगी। अब ये क्वेरी वन आ रहा है तो हम यहां स्टूडेंट क्यू के नाम से सेव करेंगे, स्टूडेंट क्यू, क्यू यानी क्वेरी, देख सकते हैं ये। अब जब भी इसको ओपन करेंगे आप तो आप देखेंगे ये क्वेरी आपको दिखेगी, तो ये हमारी हो गई क्वेरी। अब हम बनाएंगे फॉर्म, तो ये हम आ गए फॉर्म विजर्ड से, फॉर्म विजर्ड से आप भी आ जाइएगा। कैसे आना है देखिए, बहुत आसान है, यहां पर दो ऑप्शन है, एक तो डिजाइन व्यू में जाकर के, दूसरा विजर्ड से जाइए। तो विजर्ड से चलते हैं, विजर्ड से आ गए और यहां पर ये आपको दिखेगा जो क्वेरी आपने बनाई थी, तो यहां पर ये सारी चीजें हमें चाहिए तो सारी चीजें ले लेते हैं। अगर आपको मान लीजिए सारी चीजें नहीं चाहिए तो यहां से इसको रोल नंबर को सेलेक्ट कीजिए, अंदर ले लीजिए, नेम ऑफ स्टूडेंट को ले लीजिए, जो चीजें चाहिए ले लीजिए, जिसको नहीं चाहिए छोड़ दीजिए। फिलहाल हमें सब चाहिए तो सब ले लेते हैं और लेकर के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और अगर सब फॉर्म बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, फिलहाल मुझे बनाने की जरूरत नहीं। और यहां पर नेक्स्ट करके, फिर यहां पर नेक्स्ट करके, और फिर यहां पर बॉर्डर चाहिए या नहीं, 3D लुक चाहिए कैसा चाहिए, ये सब देख लीजिए, फिर नेक्स्ट करिए। तो देख सकते हैं सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं, तो ये फॉर्म बन गया। फॉर्म में डेटा थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, आप चाहे तो इसको और भी सजा सकते हैं। तो ये फॉर्म तक की बात रही, इसके बाद आप रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं चाहे तो। तो यहां से इसको क्लोज करेंगे तो ये अभी आपका फॉर्म बन गया है, ये देख सकते हैं ये आपका फॉर्म है। इसको मैंने किसी दूसरे नाम से सेव नहीं किया, तो ये स्टूडेंट Q2 के नाम से आ गया है, इसको रीनेम कर सकते हैं यहां से जाके। तो यहां पे स्टूडेंट F कर देंगे हम, F से फॉर्म हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट F के नाम से हो गया। तो एक रिपोर्ट हो गया, एक टेबल हो गया, एक फॉर्म हो गया, एक क्वेरी हो गई, अब रिपोर्ट होगा, सॉरी रिपोर्ट तो हुआ नहीं, अब रिपोर्ट हो जाएगा। तो इसी के लिए रिपोर्ट डिजाइन कर देंगे, तो यूज रिपोर्ट विजर्ड पे जाकर के, और इसी के लिए हमें रिपोर्ट डिजाइन करना है, तो यही हमें क्वेरी उठानी है, इसी क्वेरी के लिए हम रिपोर्ट डिजाइन करेंगे। तो यहां से जाकर के नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करके फिर नेक्स्ट करिए यहां से, फिर यहां से इसको शॉर्ट करना चाहते हैं या नहीं, शॉर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो किसके थ्रू शॉर्ट करेंगे, रोल नंबर के थ्रू शॉर्ट करेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, तो हम नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, ज्यादा बेटर है, ठीक है। और यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करके, और फिर देखिए ये रिपोर्ट कुछ इस तरीके से तैयार हो रही है आपकी, ठीक है। तो ये हो गया, फिर नेक्स्ट करिए, फिर यहां से क्या करना है, स्टैटिक रिपोर्ट बनाना है, डायनेमिक रिपोर्ट बनाना है, कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करना है तो कर सकते हैं। तो फिलहाल ये देखिए ये रिपोर्ट तैयार हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है, तो मेरा नाम लिखा हुआ है और ये रिपोर्ट तैयार होकर इस तरीके से आ जाएगी। तो ये पूरा ही मैंने आपको बता दिया कि क्या रिपोर्ट होता है, क्या फॉर्म होता है, क्या क्वेरी होती है और क्या टेबल होता है, तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको बताया, ये शॉर्ट भी हो गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेम। हालांकि यहाँ पे नेम आया नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नेम नहीं आया है किसी वजह से। तो ये रिपोर्ट डिजाइन करने का तरीका है, और उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। आगे के वीडियोस में और भी चीजें लेके आता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।